नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कटनी जिले के एनकेजे थाना पुलिस द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास 5 किलो गांजा भी जब्त हुआ है। दरअसल सतना जिले से ये गांजा लाने की खबर पुलिस को मिली थी और उसके बाद पुलिस ने इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। एनकेजे थाना अंतर्गत बाईपास रोड सरपंच ढाबा के पास पुलिस ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी बीटी द्विवेदी ने बताया कि पुरैनी निवासी 28 वर्षीय राजेश और उसका साथी जुहली निवासी 20 वर्षीय कृष्ण कुमार बाइक से गांजा बेचने की फिराक में थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर 5 किलो गांजा जब्त किया गया है। दिनांक को सुबह सुबह हमारे एसआई दिनेश करोसिया को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बाईपास तरफ से कुठला तरफ से दो लड़के जो है गांजा लेकर के आने वाले हैं, जुहला तरफ जाएंगे और किसी ग्राहक को बेचने की फिराक में जो सरपंच ढाबा के आसपास खड़े हैं ये आ रहे हैं। इस ऐसी सूचना उनने रोजनामचा में दर्ज किया था और चूँकि सुबह मैं विवेचना में बाहर चला गया था तो उस समय था नहीं, तो जा कर के रवानगी डाल के और कार्रवाई किया। मौके पर दो लड़के मिले थे जिनका नाम पता, वो एक मोटरसाइकिल डिस्कवर थी MP 21 ME 1459 जिसको इनने पुलिस ने हमारी रोका। रोकने के बाद इनकी विधिवत NDPS के प्रावधानों से अवगत कराया कि भाई आपके पास गांजा होने की सूचना है और लिखित में सहमति लेकर के तलाशी लिए। तलाशी में राजेश पटेल, पिता जगरूप पटेल है, उम्र 28 साल है, ये पुरैनी के हैं, कुठला थाना लगता है। इनके पास से 2 किलो गांजा मिला और उसके साथ जो बैठा था कृष्ण कुमार, पिता कृष्ण कुमार उर्फ अनिल अमित है, इसका बाप का नाम अर्जुन पटेल है, ये झूला का ही है हमारे, इसके पास से 3 किलो मिला था। इन दोनों की विधिवत NDPS के तहत कार्रवाई की गई है और बाद में थाने में आकर के प्रतिवेदन दिया, जिससे इनके खिलाफ अपराध क्रमांक 423/20 धारा 8/20 NDPS से कायम किया गया है और पूछताछ जारी है इनसे।